और वो प्रैंक जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने सुबह की जो वीडियो आएगी ना वो लाजमी देखनी है। बिल्कुल। मुझे गुलेरी से दोस्ती करते ना 3 से 4 रोज हो गए हैं, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मामी और एक हमारी अम्मा जी पड़ोसन है, वो आई हुई है जी रोटियां लगाने के लिए। ऐसा नहीं कर रहा ये मेंढक नहीं है, ये मेंढक का है। हाँ टीवी तो है नहीं, हम बहुत जो खवातीन होती नहीं, बहुत बड़ी टीवी होती है। गद्दे के अलावा तो सोता नहीं है, कंबल भी जो है ना अपने ऊपर डालता है, पता नहीं कैसे सोता है। शाम होती है जो ही चारपाई डलती है तो इन दोनों की या तो लड़ाई होती है या तो एक चारपाई से दूसरी चारपाई पे जंप लगाते हैं। ये दोनों के दो दो लगाऊंगा मैं, गिर जाओगी। दोनों एक दूसरे की कॉपी करती हैं, वो गिरती है तो वो भी गिर जाती है। अभी बताओ बताओ बताओ, इधर आओ आओ, क्रिकेट खेलने चले आ जाओ। पकड़ो 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 पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के गाँव से हम भी ठीक ठाक हैं। अभी जी हो गया शाम, तो यहाँ पे जो है ना हमारे जैसे रोज़ को हम आपको दिखाते हैं कि हमारी शाम का रूटीन क्या होती है। सब चरपाइयाँ जो है ना हमने निकाल ली हैं, और नीचे जो है ना ज़मीन को भी हमने पानी लगा लिया है। तो अभी जो है ना दोनों सही हैं, खेल रही हैं माशाल्लाह से। इनको देख के मुझे बिस्मा और महक का जो है ना बचपन याद आता है, क्योंकि वो भी ऐसे जैसे ये बराबर लगती है ना सेम सेम। ये थोड़ी सी यानी कि महक थोड़ी सी बड़ी थी, बिस्मा छोटी थी। हाँ ऐसे ही, क्योंकि उसकी कद थोड़ी सी है ना बड़ी। तो अभी खेल रही हो, कहीं आप लोग के दांत ही ना टूट जाए बैठ जाए। तो अभी जाते हैं सालन जाके बनाते हैं, और यहाँ पे जो है ना लाडो सिस्टर अम्मा मिलके जो है ना गपशप कर रहे हैं। और महक का आज पता नहीं मूड क्यों ऑफ है, महक मूड क्यों ऑफ है, गर्मी की वजह से। जब से ऐनक लगी है ना बिचारी को इनकी इसकी सहेली है ना, वो कहती रहती है ना कि आप ने ऐनक लगवा दी है, बूढ़ी बन गई हो, ऐसे नहीं। नहीं अब प्यारी लगती है, इसका ऊपर सूट करता है। हाँ लेकिन फ्रेम जो है ना फ्रेम दूसरा डलवा रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह फिर जब ये जाएगी ना अपनी पसंद की ये डलवा के आएगी। बूढ़ों वाला फ्रेम डलवा दिया है। हाँ इसकी अपनी पसंद है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी च्वाइस होती है। वो सिंपल ज्यादा पसंद करती है ये चीज़। हाँ, ना वो मतलब मेकअप करती है, ना सुर्खी लगाती है, ना कभी चाहे जितनी शादी हो या ईद हो, सिंपल कपड़े सिंपल रहती है। बिस्मा जो है ना वो कुछ कर लेती है, जैसे कि हल्का फुल्का मेकअप जैनब भी कर लेती है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन ये महक जो है ना सिंपल रहना पसंद करती है। अच्छी बात है, सिंपल जो रहता है ना वो फिर जो है ना कभी कभी वो लाइट गिरा दिया इन्होंने इसकी। ओ टूटी तो नहीं है ना, पूरी रात फिर जागना पड़ता है ना, तो हम जो है ना लाइट जो है ऐसे करके ये देखो नीचे देखो नीचे ऐसे करके करें तो फिर जो है ना दूर तक जाती है। अब इसको हम चार्ज भी करेंगे, क्योंकि रात को फिर जागना पड़ता है ना यहाँ पे, फिर कुछ पता भी नहीं होता कौन सी कहाँ से चीज़ें आ जाए। भूत भी बहुत होते हैं, चुड़ैले भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी हवेली नहीं है ना, इस वजह से जो है ना फिर थोड़ा डर लगता है हमें। हमारा मिशन था कि आज जो है ना दोपहर को हम करेंगे प्रैंक सबके साथ, लेकिन आज ना हमारा मिशन फेल हो गया। मैं नहाने के लिए चला गया, मामी काम गई हुई थी कहीं पे, मामू और मामी लाडू खाला भी गई हुई थी, घर पे कोई नहीं था। फिर हम लड़के इकट्ठे हुए सब, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मुस्तफ़ा को भी साथ में लेके गए, हम नहाने के लिए चले गए थे। फिर हमारा जो प्लान वो फेल हो गया, यानी कि हम नहीं प्रैंक कर सके। तो इंशाल्लाह 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 सुबह के दिन ना किसी न किसी के साथ प्रैंक करेंगे, और वो प्रैंक जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने सुबह की जो वीडियो आएगी ना वो लाजमी देखनी है। बिल्कुल। आज सालन थोड़ा स्पेशल बन रहा है, स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मामी की फेवरेट रेसिपी बनाई जा रही है। आलू तो मामी के फेवरेट हैं, साथ में अंडे भी प्लस हो रहे हैं, तो फेवरेट रेसिपी होगी ना आपकी। बिल्कुल, मुझे आलू बहुत ज्यादा पसंद है। और आज मेरे मामू को क्या होगा, क्योंकि ये गरीबों का वसीला है। आज मेरे मामू को क्या होगा, क्या होगा, उसने कहा है मुझे भूख नहीं है तो मैं आज नहीं खाऊंगा रोटी। तो इसे चलो आपकी मर्जी, तो मैं फिर बना लेती हूँ आलू। चलो इधर बड़ी खाला की कुन्नी में कुछ बन रहा है। इस लकड़ी वाली हांडी को ना हम कुन्नी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वैसे इसे हांडी बोलते हैं। गर्म होगी और यहाँ से कपड़े खराब हो जाएंगे, काली जगह है सारी।
चले आप आलू अंडे बनाए। मामू किधर गए? हम वापसी आए हैं तो मामू थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए, मैंने भी नहीं पूछा कहाँ गए। तैबा, तैबा आपके अबू किधर गए हैं? आपके अबू किधर हैं? इधर जवाब दो। बहुत शरारती हो गई है, मुझे गुलेरी से दोस्ती करते ना 3 से 4 रोज हो गए हैं लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। हेलो भाई साहब इधर आ जाओ, इसको एक बार पकड़ना पड़ेगा, पकड़ के खाना वाना खिलाना पड़ेगा फिर इससे दोस्ती हो जाएगी। लेकिन प्यारा कितना लग रहा है। हेलो गुलेरी, दरख्त खा रहा है, भूखा है। मामी ये भूखा है। हाँ मैं अपना खाना इसको दे दूंगा। क्या हाल है भाई? ठीक हो? इधर आओ। अच्छा आज ना पहले की निस्बत ना थोड़ी सी गर्मी कम है, शाम को नहीं तो इस वक्त पसीना ज्यादा होता है, ऐसे नहीं? नहीं गर्मी नहीं है। नहीं हब्बस हो रही होती है इस टाइम। माने का सर्दी लगी है तो तंदूर पे आ जाओ। नहीं आज कुछ कम है पहले से। रात को थोड़ी सी पंखे की सही हवा आती है। मजे की बात बताऊं आप लोगों को, सरप्राइज आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है, वो तो हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। लेकिन ना ये अंजीर पक गए और इनको नानी अम्मा ना तोड़ तोड़ के सुखा रही है। अभी हमें बनाने का पता नहीं है इनको बनाया कैसे जाता है। ये पक गए ना, ये बहुत नाइस हो रहे हैं, मैं तोड़ के जाती हूँ। हाँ एक ये नीचे वाला भी पका हुआ है। ये पका हुआ है? नहीं नहीं नीचे से कच्चा है, ये अभी पक रहे हैं। ये पका हुआ देखो, अभी कच्चा है ना देखो। ये इतना थोड़ा बहुत होता है। चलो जो जिसको खाना होगा ना वो तोड़ लेंगे। नीचे भी है, ये बहुत बड़ा है। इधर ये भी पक्का है? हाँ ये भी पक्का। चले मेरी अम्मा इतनी मेहनत करती है ना तो अम्मा का फल जो है ना वो रंग लाया। ये भी हो और कुछ हो ना हो लेकिन ये हो जाए ना मजे ही मजे। फिर इसके ऊपर चढ़ेंगे, बहुत बड़ा दरख्त होता है और इस पे जामन इस तरीके के साथ होगा। जैसे हमने ये बनवाया है ना इसको सपोर्ट के लिए, जो हमारे पास आंधियां आती हैं पूरे 6 माह इनके सब के गमलों के पास हमने ये करवा दे तो फिर सही है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पे तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है। जैसे रेडी होता है आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे ईच एंड एवरी थिंग हम रखेंगे, हर परिंदा हम इंशाल्लाह रखेंगे और इनको उनके साथ रोजाना बातचीत भी करेंगे, खेलेंगे भी सही और आप लोगों को भी दिखाएंगे डेली रूटीन। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पानी फल के सूखता जा रहा है, हमने तो खाना है पानी फल। दो लगे हुए, तीन लगे हुए। ये देखें व्यूअर्स, अगर आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो एक ये देखो, अब ये देखो देखो ये अंधेरे से टेढ़े हो रहे हैं। ऐसे मेहनत करो वैसे जैसे वो जंगला बना, इधर भी जंगला बना के रखो। इधर भी बनाते हैं तो अभी जो है ना हमारे पास भुट्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ ये भुट्टा है बाजरे का, बाजरे का भुट्टा है। अच्छा वो कुकड़ों के धोता है ना मुस्तफा। हाँ तो यहाँ पे गार्डन का इंतजाम करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो पहले हम वो कर देते हैं ना ताकि गार्डन भी साथ साथ तैयार होता रहे इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे। ऐसे करते हैं। बना ली रोटी? हाँ जी। आप टाइम से बना लिया? हाँ। ये क्या बात हुई भाई, तंदूर हम डालते हैं, लकड़ियां हम डाल डाल थक जाते हैं, रोटी आप जाती है बना के आ जाती है। मेरा भी हिस्सा होता है ना। अच्छा अच्छा अक्सर ऐसा होता है या तो जिसको टाइम होता है या तो बड़ी खालों को टाइम होता है, फिर भी अगर मामी को टाइम होता है फिर भी, या तो मामी झटपट से तंदूर डाल देती है अगर सालन टाइम से बन जाए, अगर बड़ी खाला का सालन टाइम से बन जाए तो फिर जो है ना बड़ी खाला डाल देती है। मिलजुल के कर लेते हैं। हाँ मिलजुल के। तो अभी वहाँ पर रोटियाँ जो है ना लगाई जा रही हैं, वो भी चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर पाइप जो है ना लीक होने की वजह से यहाँ से कपड़े वगैरह धोते रहते ना तो सारा पानी इधर कीचड़ हो गई सारी। पानी को सेव रखने के लिए ना कोई टैंकी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, इस तरह पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। मामी और एक हमारी अम्मा जी पड़ोसन है, वो आई हुई हैं जी रोटियां लगाने के लिए। अम्मा लगा लगा के दे रही है, मेरी रोटियां लग गई। अच्छा अभी अम्मा की लगा रही है? हाँ, अम्मा की लगी है। और रोटियां कितनी प्यारी लगी हुई हैं देखें, माशाल्लाह तंदूर की ना। ये देखें ऐसी रोटी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये कड़क रोटी होती है। कड़क रोटी होती है ऐसे नहीं ऐसे। ये अम्मा जी का कपड़ा है, अभी अम्मा जी की रोटियां जरा लगाना स्टार्ट कर दी है। देखें जी चमची से दाल डाल के ना चमची से खाया जा रहे हैं जी। रोटी आलू डाली थी हमने, आलू और साथ में अंडा, सबने खाना खा लिया है और ये सुबह के नाश्ते के लिए भी बच गया है। अभी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्यों टेंशन नहीं होती क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाते नहीं है, सुकून से उठ के सुबह सुकून तरीके से नाश्ता बनाते हैं और दूध भी जैसे कि हम रूटीन के मुताबिक रखते हैं, पानी डाल के बरात में वो भी रख दिया है और गर्म करके अच्छे से
बड़ी खाला के पास जाते हैं, तो खा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी खाला लोग खा रहे हैं जी खाना। मैंने तो समझा चूरी कुटी है सिस्टर। सिस्टर मेरे ना गुड़ वाली चूरी खाने का दिल कर रहा है या फिर चीनी हो रही। अच्छा ये क्या चीज़ है, आज रवां बनाई थी? हाँ जी। अब मेरे लिए भी आप ले के आओ, वो लोबिया नहीं होता, वो लोबिया पता क्या तो वो लोबिया लेके आना है सुबह, वो बना के खाना है, वही वाला डाइटिंग वाला। आज 30 तारीख है, आज से ना मैं डाइटिंग शुरू करूंगी। वो फिर ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोबिया, थोड़ा सा मूंग। मैंने ना फोन में वो जो एक्सरसाइज होती है ना पूरे आधे घंटे की, वो मैंने जो है ना उसको क्या कहते हैं डाउनलोड करके मैंने रख दिया है। सुबह सुबह जब सब सो रहे होंगे ना दरवाजा बंद करके, तो मैंने एक्सरसाइज करनी है। देखते हैं, पता चल जाएगा ना, ऐसा सीखेंगे ना, हो जाता है बंदा मेहनत करने से। नहीं मैंने पतला हूँ ना इसे, कसम से मैं कहती हूँ, थोड़ा सा ना इंसान को स्मार्ट होना चाहिए। नहीं हम खाना खा के हैं जी, हम आपका देखने के लिए हैं और हम बहन भाई को दिखाने के लिए हैं कि आप। लेकिन आज ना मैंने रोटी खाई है अभी ना, एक वैसे एक रोटी खा, जहाँ पे मैं जब मुझे ज्यादा भूख लगती थी ना तो मैं तीन भी रोटियां खा जाती थी सच्ची में, इसीलिए इतनी मोटी हो गई हूँ। फिर जो है ना फिर मैंने दो रोटी कर दी, अब मैंने जो है ना एक रोटी कर दी, अब एक से जो है ना फिर मैं आधी रोटी कर दूंगी। आधी के बदले फिर हाँ बस आधी रहने देते हैं, इतनी तो नहीं होती है ना। हाँ ये ना बिल्कुल ही। फिर ये जो है ना फिर जारी बात है, बच्चों को भी संभालना है, घर का काम भी करना है, फिर तो बस एनर्जी तो लो हो जाती है ना। हाँ मतलब ये चीज़ सैलेड ज्यादा इस्तेमाल करूंगी, ऐसा नहीं कर रहा नहीं सिस्टर मुझे दाल बनाई देगी ना मुझे सब, क्या कहते हुए क्या कहते हो मसूर मसूर की दाल, वो कहते हैं वो सिस्टर बना के देगी बगैर ऑयल के। पता क्या करें आप सुबह सुबह डाइट के लिए ना, जैसे आप बता रही थी मलंगा भी भिगो के रख दू ना, वो भी कहते हैं डाइट के लिए बहुत अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, लोबिया, लोबिया के साथ ये जो मूंग होती है, मूंग ये साबित हर चीज साबित लेनी है, इनको बॉयल करके रख, रात को रख देना भिगो के, सुबह बॉयल कर लेना है, बॉयल करके छान के निकाल लेना है, ऊपर प्याज काट लेने हैं, ठीक है, हर सैलेड काट लेना है, खीरे काट लेने हैं, और फिर चाट मसाला डाल देना ऊपर और फिर खा लेना है। खा लेना ऐसे ही होगा, पतला होने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा और दिल को संभालना पड़ेगा ना। हमारे घर में जो है ना सब अपनी अपनी जगह पे, कोई रोटी खा रहा होता है, कोई कौन सी चीज, फिर ना दिल करता है कि हम भी खाएं, फिर वही वही की वही डाइट रह जाती है, फिर क्या करें। जिसने एक काम कर लेना मैं तो कहीं बीच में दीवार दे देते हैं। सच्ची में सिस्टर ये बात सच बोली है सिस्टर ने, बड़ा दिल करता है। अब कैसे दिल करो कि अगर आगे चावल पड़े हों फिर पराठे पड़े हों, तो चलो आप ना देखो तो ना, ये तो है, आंखें बंद करके सो जाओ। चाय तो पीऊंगी ना, चाय मैं फीकी चाय निकालूंगी, मीठी नहीं पीऊंगी। फीकी और मीठी से क्या, चाय तो से वैसे इंसान पतला होता है। नहीं डाइट में चाय तो पीते हैं, मीठी ना पियो फीकी पियो। चलो मामी इधर आए, मामी धो रही है जी बर्तन, और इधर देखें, ओए अल्लाह इतनी मेंढक बड़ी, इतनी बड़ी मेंढक देखें तो सही, ये काट देगी, ये जहरीली भी होती है कुछ ना कुछ। हाँ तो ये काट देगी भाई, काटोगे तो नहीं, ये बहुत बड़ी। मामी को डरा रहा था वो, भाग गई है, अब किधर गई है। हाँ ये बैठी है, ये मेंढक नहीं है, ये मेंढक का है। मामी जी, जैसा कि काफी सारे बहन भाई भी कह रहे थे और मेरा भी यही ख्याल है, ये सुबह या परसों तक ना कोशिश करते हैं टैंकी लेके ना वहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि पानी ना ये देखे ना जाया हो रहा है अभी। अगर टंकी होती ना यहाँ पे ऊपर लगी हुई, उस वॉशरूम के ऊपर टंकी रखी हुई थी, नल के साथ सेट कर, हाँ इधर इधर टूटी होती है, यहाँ से टूटी खोली, जितना पानी चाहिए उतना चला ली। अब देखना मोटर चल रही है और जो काम हो रहा है, अब उधर जाएंगे सारा काम खत्म होगा तो मनो के मन पानी जो है ना वो जाया हो जाएगा, और इसका भी हिसाब देना पड़ेगा हमें, बिजली का बिल अलग से देना पड़ेगा और अल्लाह अलग से पूछेगा। ये बात ठीक है, अल्लाह ताला क्यों नहीं पूछ लेगा, ये हमारी गलती है, गलती है, इसको तस्लीम करते हैं हम भी। और जैसे कि बहन भाई भी हमारे कह रहे थे ये बात वाकई में ठीक है, हमें एक टंकी रखनी चाहिए जिसमें पानी स्टोर कर लें,
बिजली ना हो उसका ये भी फायदा हो जाएगा, बिजली ना भी होगी ना तो अपनी ज़रूरत का टूटी को चलाया, अपनी ज़रूरत का पानी लिया और उसके बाद टूटी को बंद कर दिया। नानी अम्मा को आ गया नींद, जाग रही है और यहाँ पर लाडो खाला और बड़ी खाला बैठी हुई है, गपशप कर रही है आपस में। ज्वाइंट फैमिली जो होती है ना वो आपस में गपशप करके फिर देर तक सोती है। शहरों में तो ये होता है ना, आप लोगों के पास मोबाइल और टीवी वगैरह होता है और दोस्तों के साथ बैठ के फन करते हैं, तो यहाँ पे विलेज में भी ऐसा ही होता है, खवातीन इकट्ठी हो जाती हैं और आपस में फिर गपशप करती हैं। टीवी तो है नहीं, हम बहुत जो खवातीन होती है बहुत बड़ी टीवी टेलीविजन सारे दिन की जो बातें उनकी वो डिस्कस होती हैं इस टाइम। तो बस ये नानी अम्मा जो बिचारी है ना वो सो जाती है सुकून से, ना किसी आई दिन जो है ना वो बिचारी बेचैन रह जाती है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इस वजह से जो है ना अम्मा को बस उस टाइम जो है ना बिचारी सुकून के साथ लेटती है। तावा यहाँ पे सो गई है क्योंकि सिस्टर की जो है ना लाडो सिस्टर की जो मतलब के बहू है ना उसने इसको सुलाया है, तो साथ में बस ये है कि अभी जो है सब यहाँ पे भी सब सो गए, मुस्तफ़ा सो गया, तहबा सो गई, जैनब, बिस्मा सब जो है सो गए, तो अब कुछ जो है ना कुछ नींद में है, कच्ची पक्की नींद में है ना ऐसे। मैं जाके बल्ब बंद करती हूँ, सिस्टर को भी बोलती हूँ बल्ब बंद कर देगी, तो बस इनको सही करके इनको ले जाती हूँ। तो जैनब बिल्कुल नीचे गई हुई है, मेरा प्यारा बच्चा। सारा दिन ना उसके साथ बीबी के साथ खेल खेल के ना अब सो जाती है। इसका तकिया यहीं पे होता है कि ऊपर करना है? नहीं नहीं नीचे करो, नीचे यहीं करो। पे ये जब भी डाल के सोती है। मैं कुछ मामू भी सो गया मुझे लगता है। मैं नीचे कुछ भी नहीं बिछाती, हर कोई जो है ना ये देखो फिदा जानना गद्दे के अलावा तो सोता नहीं है, कंबल भी जो है ना अपने ऊपर डालता है, पता नहीं कैसे सोते हैं। अम्मा भी नीचे कुछ भी नहीं डालती, हम तो कुछ भी नहीं डालते, बस अभी जो है ना मैं अभी इसके साथ जाके लेटती हूँ, लेकिन तकिया जो है ना थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तब को खांसी भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है ना, क्योंकि बच्चे को अगर खांसी हो तो ऊपर थोड़ा सा सर ऊपर हो ना तो फिर खांसी इतनी तंग नहीं करती है। अभी मैं भी अपनी जो है ना सरफाई के ऊपर आके ना थोड़े सुकून से बैठ गई हूँ, तो माशाल्लाह से जो है ना कल भी पंखे की हवा जो है ना कुछ ठंडी थी, आज भी कुछ जो है ना पंखे की हवा जो है ना ठंडी लग रही है, मुझे लगता है कहीं बारिश हुई है। हाँ। अल्लाह पाक की रहमत। मैं शाम को कह नहीं रहा था कि आज मौसम ना थोड़ा तब्दील लग रहा है। तब्दील लग रहा है, हाँ सही बात है, नहीं तो अभी इस वक्त गर्म हवा होती है, इतनी लू चल रही थी, रात को भी जो है ना गर्म पंखे हवा दे रहे थे। हाँ। तो बस अभी सुकून करते हैं, सोते हैं और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, जीते रह गए तो इंशाल्लाह फिर अपनी सुबह व्लॉगिंग शुरू कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर क्या करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।